हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्माइल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म में आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज अपन एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जो एमआरएफ को टक्कर दे रहा है और एमआरएफ से ज़्यादा मार्केट कैपिटल है, बहुत ही अच्छे रिटर्न भी दे रहा है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट कंपनी का आ रहे हैं। कंपनी का आप देख सकते हैं कि आज के दिन पूरे मार्केट में प्रेशर था तो 1.65% की गिरावट है। कोई बात नहीं, 5 डेज में देख सकते 1% का रिटर्न है, 1 मंथ में देख सकते हैं 5% के रिटर्न है, 6 मंथ्स में 38% के रिटर्न है, वन ईयर में 87% के रिटर्न है। तो 5 ईयर में भी देख लेते हैं, 5 ईयर में बहुत ही शानदार 573% के रिटर्न, और मैक्सिमम भी देख सकते हैं 2000% के रिटर्न दिए। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ही रिटर्न इतने अच्छे मिलते हैं। आप चाहेंगे कि आज मैं बाय करूँ, एक हफ्ते में सेल कर दूँ, या थोड़ा सा मार्केट नीचे आ जाएगा तो मैं सेल कर दूँ, कल तो प्रेशर रहेगा क्योंकि डाउन जोन आज 2.5-3% के आसपास गिरा हुआ है, तो कल भी मार्केट में अपने प्रेशर बना रहेगा, तो उसमें घबराने का नहीं। इसमें आपको और बाय SIP कर सकते हैं, जो भी अच्छे स्टॉक है जो मैंने आपको बताए हैं वो आप एक नोट करके रखें। उसमें देखिए कि गिरावट हो रही है 15-20%, कोई शेयर गिरा है तो उसमें SIP करिए, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा पहुंचाएगा। ये 2000% के रिटर्न किसको मिले होंगे जो कंपनी के साथ दिए 2006 से अभी तक 15 साल पर जिसने होल्ड किया उसको रिटर्न मिले 2000% के। आप इसका मैक्सिमम भी देख रहे हैं, कंपनी ऐसा नहीं इससे ऊपर ही ऊपर जा रही है, कंपनी में डाउन भी आया है करीब करीब। एक मिनट आपको दिखाऊँगा कि कंपनी 50% अप्रॉक्स गिरी थी, तो अभी थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा है, 50% करीब यहाँ गिरी थी, उसका बहुत शानदार कमबैक दिखाया है कंपनी ने। और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज भी देख सकते हैं 45.35 TCR है, जो MRF से भी ज़्यादा है इसका मार्केट कैपिटल। बहुत ही शानदार रिजल्ट भी शो कर रही है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, कंपनी फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसको BKT बोलते हैं, ये कंपनी भी टायर से बिलोंग करती है, टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है जो MRF है, वो सेम कंपनी है, सेम परफॉर्मेंस देती है। एक बार अपन MRF से भी कंपेयर कर लेते हैं इस कंपनी को कि परफॉर्मेंस में कैसा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ब्लू वाला जो है बालकृष्णन है, BKT बोलते हैं, और MRF है इसका। आप 3 मंथ्स में देख सकते हैं 40% के रिटर्न दिए हैं BKT ने, और MRF ने वहीं 5% के रिटर्न दिए हैं। 6 मंथ्स में भी देख सकते हैं 40% के रिटर्न है, वहीं MRF ने -5% अप्रॉक्स 11% के दिए। जनवरी से अभी तक देख सकते हैं 45% के रिटर्न है, 1 साल में 25% के रिटर्न है, वहीं बालकृष्ण ने 90% के रिटर्न दिए। 5 ईयर में भी देख सकते हैं बालकृष्ण ने 543% के रिटर्न दिए, वहीं MRF ने 140। बट मैक्सिमम में आप देखेंगे कि MRF ने बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे दिए, 2831 के दे दिए, वहीं बालकृष्ण ने 222 के। बट MRF इतना कॉस्टली क्यों है? आप बोलेंगे कि सर दिखने में तो 600% ही का डिफरेंट आ रहा है, बट बहुत ज़्यादा है। बट बालकृष्ण बोनस दे देता है, MRF बोनस नहीं देता, ये अपने स्टॉक को अपना स्प्लिट करता है। आप इसका मार्केट कैपिटल भी अभी देख सकते हैं कि बालकृष्ण का 45.35 है, वहीं MRF का 34 है, मतलब उससे करीब 10,000 करोड़ पीछे है। एम्प्लॉई देख सकते हैं, एम्प्लॉई MRF के पास बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंपनी बहुत ही पुरानी है, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है MRF ही, बट वो बहुत ही कॉस्टली। आप उसका एक शेयर लेने जाएंगे तो उसका एक शेयर की वैल्यू है 82,000, उतने में तो बालकृष्णन के कितने शेयर आ जाएंगे, तो वही चीज़ का अंतर है। बट कंपनी MRF से ज़्यादा अच्छी बालकृष्णन है, और कंपनी अच्छा रिजल्ट भी शो कर रही है। आप उसका दोनों को कंपेयर करेंगे, रेवेन्यू और सब देखेंगे तो बालकृष्णन का उससे ज़्यादा अच्छा है, तो आने वाले टाइम पर ये MRF को भी पीट पटक सकती है पीछे, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। चलो अपन इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस तो देख लिया, अब इसके बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं और भी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अपन को लॉन्ग टर्म में बने रहना है तो अपन को चेक करते रहना चाहिए बीच बीच में कि कंपनी में क्या है। ये सब पैरामीटर जो होते हैं वो आपको बताता है कि आप लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं कि नहीं, वो चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट कंपनी का बैलेंस शीट अपन चेक करते हैं तो अपन को रिजर्व एंड सरप्लस जरूर देखना रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। आप देख सकते हैं पहले 35 था, फिर 40, फिर 46, 49, अभी फ़िलहाल 459 है। 12 मंथ्स का डाटा रहता है, पर ईयर का ये दिखाता है। ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ईयर है, अपन 21, 20 और 19 की बात करेंगे वैसे। और अपन इसमें कर्जा देख लेते हैं, कर्जा कंपनी के पास
1.25 का है अभी प्रेजेंट में, पहले 1.79 का था, फिर उसके पहले 2.23 था, पहले तो बहुत ही ज़्यादा था, अब तो नामामूली का है। ये इम्पोर्टेंट रहता है कि कर्ज़ा कहीं ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा कंपनी का, वो डाटा चेक करते रहना चाहिए अपन को। तो ये कभी भी कंपनी अपने आप को डेट फ्री कर सकती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो फ्लक्चुएटिंग मैटर में रहते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते। वैसे कंपनी का उसमें 900 करोड़ के अप्रोक्स लोन है, बट वो शॉर्ट टर्म रहते, कभी भी बढ़ जाते कभी भी घट जाते, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। कंपनी का कैश एंड कैश भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कंपनी का कैश कितना है वो देखना रहता है। तो अभी कंपनी का करीब 57 करोड़ का कैश रखा हुआ है। ये पहली चीज़ होती है बैलेंस शीट चेक करने में, तो ये बैलेंस शीट चेक कर ली। अब इसके अपन पैरामीटर चेक करेंगे, प्रमोटर होल्डिंग और भी डाटा FIIs का, वो सब चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहले अपन रेवेन्यू देख लेते हैं पूरे साल भर का कितना है। कंपनी का रेवेन्यू पहले 2017 में 37 का था, जो अभी बढ़ के 57 हो गया बच्चा का। नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं, रेवेन्यू तो कोई भी जनरेट कर लेता है, मेन नेट प्रॉफिट बढ़ाना होता है क्योंकि खर्च जितना अपनी इनकम हो उसमें खर्चे कंट्रोल करने का नेट प्रॉफिट बचता है, वो भी अच्छा खासा। कंपनी का 700 करोड़ था जो अभी 1100 करोड़ हो गया है। अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं, वो भी अच्छा खासा वो एयरली। अब अपन क्वार्टरली वाइज देख लेते हैं फटाफट। कंपनी का रेवेन्यू मार्च का था 1372, जो अभी बढ़कर 1753, मतलब कि 400% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। वही नेट प्रॉफिट की भी देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट भी बहुत शानदार बढ़ा है, 100 करोड़ का अप्रॉक्स, 100 करोड़ से भी ज़्यादा ही है, उतने की जम दिखाई है एक साल में। अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं 13 से 19 कर दिए कंपनी ने। ये सब पैरामीटर आपको इसलिए चेक करने रहते हैं कि इसमें सब डाटा चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है, तो आप वो चेक करते रहे, ये जो कि आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा पहुँचाता है। पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये चेक करना रहता है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कभी एकदम से घट तो नहीं रही है, एकदम से बढ़ तो नहीं रही। कई बार क्या होता है कि कंपनी में कोई नेगेटिव होता है कि इस कंपनी में फ्रॉड्स हो जाते हैं, तो कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं उनको पता रहता है, वो फटाफट अपना स्टॉक बेच के वो निकल जाते हैं। जैसे आप रिलायंस के जो रिलायंस का आरकॉम था उसमें देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग पहले 50% थी, फिर उसके प्रमोटर भाग ही गए वहाँ से अभी मामले। तो वैसे ही इसको चेक करते रहना चाहिए कि प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हैं 58.3 है, मतलब ना बढ़ाई है ना घटाई है। FIIs का देख सकते हैं, FIIs 11% थे जो अभी 14%, मतलब कम। FIIs ने भी बढ़ा दिया अपना, DIIs ने अपना प्रॉफिट बुकिंग करी, पब्लिक ने, पब्लिक के पास अच्छा अच्छी होल्डिंग है 13% के ऊपर, और अदर में तो कुछ है ही नहीं। ये अपनी सेक्टर की आपको बता दे रहा हूँ, पीयर्स कंपनी, ये अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, वो भी बहुत ही अच्छी थी। अभी मैंने करीब 3-4 महीने पहले ही 1600 रुपये के अप्रॉक्स थी इसका रिजल्ट आने के टाइम, उसके बाद जो भागा स्टॉक सीधे 2300 भी पार कर गया, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके कॉम्पिटिटर MRF भी है, MRF इससे पीछे है, वैल्यू वाइज देखेंगे तो बहुत आगे है, बट मार्केट कैपिटल वाइज आगे ये बालकृष्ण है। मार्केट कैपिटल ही इम्पोर्टेंट होता है कि कंपनी का पैसा कितना मार्केट में क्या इम्पोर्टेंस है, कितनी वो है, तो वो सब चीज़ें रहती है। पोलोस का देख सकते हैं आप 14 करोड़ है, वहीं CET का 5000 है, JKT का आप 35 है, तो मतलब सबसे अपने लीडिंग कंपनी यही है। तो एक बार अपन कंपनी का स्क्रीनिंग भी चेक कर लेते फटाफट। तो फ्रेंड्स इसमें ऊपर देखा आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पे डेट दी हुई है, ये ईयर वाइज डाटा है, सॉरी क्वार्टर वाइज डाटा है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं, अभी का जो है 542 है, जो पहले 3473 था, पहले जाएंगे तो बहुत ही कम था 2018 में। वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख सकते, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अभी कंपनी का 372 चल रहा है, मतलब ग्रोइंग मोड में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे ईयरली वाइज दिया है 1786 है, ये तो अभी अपडेट होगा, पहले कंपनी 334 का था 10 में, जो अभी बढ़कर कंपनी का अच्छा खासा 1800 के अप्रॉक्स पहुँच चुका है। फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे को आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर सकता हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं 2018 से सेम होल्डिंग रखी है, ना प्रोमोटर ने अपने शेयर को बढ़ाया ना घटाया है। तो फ्रेंड्स ये कंपनी बहुत ही अच्छी है अपनी, आप भी स्टडी करिए, फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, बट अपनी भी स्टडी करके इस कंपनी में बने रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बने। अभी थोड़ा होल्ड कर लीजिए, इसका रिज़ल्ट आने वाली है लेटेस्ट,
तो अब उसको बाय कर भी सकते हैं आप थोड़ा, कि रिज़ल्ट देखने के बाद तो अपन को क्लियर हो जाता है कि कंपनी के रिज़ल्ट कैसे आए, तो उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। तो अपने इसको रिडायल लिस्ट या वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और कोई भी और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो वी विल अनदर वीडियो। थैंक यू।